बिहार के उज्ज्वलतम भविष्य के लिए जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर हम बिहारवासियों को एकजुट कर सकें। बिहार में शिक्षा के प्रसार, समतामूलक समाज के निर्माण और उद्यमिता की ऐसी क्रांति जिसमें जब हमारे युवा स्टार्टअप्स की ओर, उद्योग की ओर, व्यवसाय की ओर बढ़े कि बिहार में रोजगार का अधिक से अधिक सृजन हो सके, इसके लिए एक संवाद हम लोग पूरे छपरा वासियों के साथ, बिहार के अलग अलग जिलों से आए लोगों के साथ करेंगे। और इसमें अनेक व्यक्ति जो शिक्षाविद हैं, समाजसेवी हैं, 2047 तक ऐसे विकसित बिहार का निर्माण जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। 8 दिसंबर को रैंदर स्टेडियम में 10 बजे से जो कार्यक्रम आयोजित की गई है, उसके लिए सारण की धरती पर सबसे पहले मैं विकास व्यवस्था का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यह बात सोची कि विकास कैसे किया जाए और बिहार का वैभव कैसे लौटाया जाए जो आपके नाम के अनुरूप होता है, उस चीज को आपने यथार्थ करने के लिए छपरा के लोगों को आह्वान किया है, मुझे विश्वास है और यह 100% सही है। यदि आपकी क्रांति कहीं से शुरुआत हुई उसमें छपरा के भी एक अहम योगदान होगा। और हम तो कहेंगे प्रत्येक प्रिंट मीडिया के भाइयों से कि आप भी अपना अपना विचार प्रस्तुत करके सारे लोगों के बीच में इसको प्रदर्शित करें, विकसित करें, प्रसारित करें, ताकि यह हम सब का, यह बिहार है हम सब का, यह सारण जिला है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जितने भी इस समाज के ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो खेल से हों या स्वयंसेवी संस्था हों या हमारे शिक्षण संस्थान हो या हमारे जो भी ब्यूरोक्रेट के भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मैं यही कहूँगा कि ऐसे नेक काम में, ऐसे इंसानियत के लिए, ऐसे विकास के लिए, ऐसे बिहार के लिए हम सब कंधा में कंधा मिला करके चलें। और मैं यही बात कहूँगा कि एक बार आप जगे थे जयप्रकाश के लिए, अब जगे विकास के लिए। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि बिहार का विकास हो, मैं भी उसके हिस्सेदार बनूँ। धन्यवाद। छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में आगामी रविवार 8 दिसंबर को एक बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है बिहार के उज्ज्वलतम भविष्य के लिए जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर हम बिहारवासियों को एकजुट कर सकें और बिहार में शिक्षा के प्रसार, समतामूलक समाज के निर्माण और उद्यमिता की ऐसी क्रांति जिसमें जब हमारे युवा स्टार्टअप्स की ओर, उद्योग की ओर, व्यवसाय की ओर बढ़ें, उनका एक ऐसा इकोसिस्टम हम बना सकें जिसमें उनको सहयोग मिल सके, मार्गदर्शन मिल सके, ताकि बिहार में रोजगार का अधिक से अधिक सृजन हो सके, इसके लिए एक संवाद हम लोग पूरे छपरा वासियों के साथ, बिहार के अलग अलग जिलों से आए लोगों के साथ करेंगे। और इसमें अनेक व्यक्ति जो शिक्षाविद हैं, समाजसेवी हैं, उनके द्वारा भी सभा को संबोधित किया जाएगा। इसमें प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमायल अहमद जी भी रहेंगे, इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हरिंदर जी हैं, साथ में उर्दू राही जी हैं, सचिदानंद जी हैं, सीमा जी हैं, साधु जी हैं, सभी लोग मिलकर एक बड़ी टीम इस कार्यक्रम के आयोजन को सफल करने के लिए कार्य कर रही है। और छपरा के हर गांव के हर जनता के संदेश को कि बिहार को यदि बढ़ाना है तो हमें छोटे छोटे संघर्षों से ऊपर उठकर अपनी ऊर्जा का उपयोग शिक्षा के विकास में, समतामूलक समाज के निर्माण में और उद्यमिता की क्रांति लाने के लिए करना होगा। इसका संदेश है नमस्ते बिहार। हर बिहारवासी से आह्वान है कि हर मतभेद से, संघर्ष से ऊपर उठकर बिहार के लिए आगे आए और बिहार को विकसित बनाने में अपना योगदान दें। ये छपरा का कार्यक्रम इस अभियान का चौथा बड़ा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम बेगूसराय में 10 दिसंबर 2023 को जीडी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित हुई थी, जिसमें 50,000 से अधिक लोग आए थे। दूसरा कार्यक्रम आरा के महाराजा कॉलेज में 21 जनवरी 2024 को आयोजन इसका हुआ, उसमें बड़ी संख्या में लोग आए थे। और तीसरा कार्यक्रम अभी पिछले रविवार 1 दिसंबर को सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में उसका आयोजन हुआ, जिसमें 50,000 से अधिक लोग सम्मिलित हुए थे। तो हर छपरावासी से मैं आह्वान करता हूँ कि बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम इसलिए सम्मिलित हो क्योंकि संदेश कोई राजनीतिक नहीं है, इसका उद्देश्य कोई चुनाव जीतना नहीं है, इसका उद्देश्य है अपने जीवन काल में 2047 तक ऐसे विकसित बिहार का निर्माण जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। और इसीलिए हर व्यक्ति के जुटने का संदेश यही है, संकल्प यही हम लेंगे कि बिहार केवल उनका नहीं जो जाति संप्रदाय के चश्मों से खंडित रूप में उसे देखना चाहते हैं, बिहार उनका भी है जो इन बंधनों से ऊपर उठकर एकजुट समाज को करते हुए बिहार को विकसित देखना चाहते हैं। मेरे साथ अभी मैं चाहूंगा हरिंद्र जी भी संबोधित करें, अब्दुल राय जी भी संबोधित करें और सचिदानंद जी, सीमा जी, साधु जी भी इस सभा को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करके बताएंगे। हरिंद्र, सभा का आयोजन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य है बिहार के उज्ज्वलतम भविष्य के लिए जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर
हम बिहार वासियों को एकजुट कर सकें और बिहार में शिक्षा के प्रसार, समता मूलक समाज के निर्माण और उद्यमिता की ऐसी क्रांति जिसमें जब हमारे युवा स्टार्टअप्स की ओर, उद्योग की ओर, व्यवसाय की ओर बढ़ें तो उनका एक ऐसा इकोसिस्टम हम बना सकें जिसमें उनको सहयोग मिल सके, मार्गदर्शन मिल सके ताकि बिहार में रोजगार का अधिक से अधिक सृजन हो सके। इसके लिए एक संवाद हम लोग पूरे छपरा वासियों के साथ, बिहार के अलग अलग जिलों से आए लोगों के साथ करेंगे और इसमें अनेक व्यक्ति जो शिक्षाविद हैं, समाजसेवी हैं।